ଅଛି ଭାଇ ଅନେକ ଗଣ୍ଠି ରସରେ ଭିଜିଲେ ଭାବରେ ମଜିଲେ ସେ ଗଣ୍ଠି ଜୀବ ତ ଫିଟି ଚାଲ ଶୁଣିବା ପୁରାଣ ଗଣ୍ଠି ଆସ ଶୁଣିବା। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेतया युगर अवतारी पुरुष एवं भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम द्वापर युगर कृष्ण उभयंकर लक्ष्य एक संसार रे दुईटा नाम सार आज्ञा दुईटा कथा मध्य सार राम कथा या श्याम कथा राम नाम या श्याम नाम नहीं। जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण का हो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। उभय होचंति ब्रह्म उभय होचंति अवतारी पुरुष उभयंकर लक्ष्य मध्य एक कौन लक्ष्य श्रीमद् भगवत गीतार चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग अष्टम श्लोक परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। दुई जन जाक मर्त्यधाम को आसीथिले धर्म संस्थापन करने उद्देश्य रे जुग को जुग यही तो चली आज्ञा भागवत कहते जुग को जुग यही मते परमानंद जगते गोविंद 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 पदु गलुचि मकरंद नाथ परम दयालु गोविंद 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 पदु गलुचि मकरंद। उभय होचंति जुगावतारी पुरुष गोटे श्लोक आपण मानक कहुची एकोपि शास्त्र बहुभिन्न मतम एकोपि ब्रह्म प्रतिभिन्न रूपम एकोपि दुग्ध प्रतिभिन्न गाभी सुवर्णमेकम भिन्न अलंकार। आज्ञा एकोपि शास्त्र बहुभिन्न मतम शास्त्र एक किंतु मत अनेक ब्रह्म एक किंतु रूप अलगा अलगा मत्स्य कश्य वराह बामन नृसिंह परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि एमती अनेक रूप नहीं। आज्ञा गाईर क्षीर देखा धला आपण काली गाईर क्षीर देखिले धला नाली गाईर क्षीर देखिले धला कांचिया गाईर क्षीर देखिले भी धला नहीं। मेकोपी दुग्ध प्रतिभिन्न गाभी सुवर्ण मेकम भिन्न अलंकार गोटे सुना मुंडा को लेकिन जब आप बणिया को देवे बणिया खंडे सुनार पचास प्रकार अलंकार करदेव चेन करदेव मुदी करदेव हार करदेव इत्यादि 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 नहीं ठीक सेमती आज्ञा गाई नाना वर्ण हेले हे तार दुग्धटी धला ब्रह्म एक नाना रूप रे विश्व करंती खेला श्री राम जय राम जय राम राम श्री राम जय राम जय राम राम। व्यास कहिले इंद्रारि व्याकुल लोके मृयंती जुगे जुगे इति तांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। व्यास कहले कृष्ण होचंती स्वयं भगवान वाल्मीकि कौन कहले वाल्मीकि मध्य सही कथा ठीक कहले भरण पोषणाधारम शरणम सर्वव्यापकम कारुण्य सद्गुणै पूर्णै रामस्तु भगवान स्वयं। व्यास कहले कृष्ण भगवान वाल्मीकि कहले राम मध्य भगवान उभय ब्रह्म उभय भगवान उभयंकर लक्ष्य एक
किंतु दर्शक बंधु चरित्रगत दृष्टि कार्यावली दृष्टि तांकर आचरण दृष्टि भिन्न भिन्न राम जे कृष्ण से नुहंती आज्ञा केमती रामकृष्ण के भितर ताले प्रभेद कौन राम त्रेतया जुगरे मूलरु शेष पर्यंत निजे कांड कोदंड धारण करी समस्त पापी मान को विनाश करिछंत ताड़का ठारु आरंभ करी रावण पर्यंत अपन देखंतु बाड़ी को मारिले इंद्रजीत को मारिले रावण को मारिले ताड़का को मारिले सुबाहु को मारिले मरीच को मारिले राम मारिछंत निजे समस्त हत्या करिछंत किंतु कृष्ण द्वापर युगरे मूलरु शेष पर्यंत अपन देखुनांति अपन कहिपरिबे कोनोसी जगार कृष्ण अस्त्र धारण करी कोनोसी पापी को विनाश करिछंति नाही आई कृष्ण कहारे को सीधा सड़क भाव में मारिनांति बुले बंके मरई राम जीवन रे एक पत्नी व्रत ग्रहण करिथिले आज्ञा से दिन बासर घरे जनक नंदिनी माँ जानकी को बासर कुलदीप को साक्षी रखी कहिले हे बैदेही सुन मु राम जीवन रे आज ये बासर घर कुलदीप को छुई मु नियम करुची तुम बिना जीवन रे आउ कहा को ग्रहण करिबि नाही आज्ञा पदटा गाउची मो विदगध श्री रामचंद्र कहे बंधु जीवन थीबार ए देहे बंधु जीवन थीबार ए देहे बंधु जीवन थीबार ए देहे बिला सिनी न करिबि आन को बोली छुईति कहुता सन को बोली छुई बोली छुई राम कुलदीप को छुई शपथ कले विलासिनी न करी आन को बोली छुई दीप हुतासन को हुतासन बोलते अग्नि नहीं सीता बसते ओढ़ा टाणिकी स्वामी तर शपथ कले एक पत्नी व्रत आचरण करे जीवन रे आउ कहा स्त्री भाव ग्रहण करे ना सीता कहले आउ तमें कौन एका सत्य कलावाला मु सत्य कर आसेना मत कौन सत्य कर आसेना वैदेही कौन कले वैदेही के सु काढ़ी के तो की वर्ण लिखित पोछी कस्तूरी की वर्ण लिखित पोछी कस्तूरी की वर्ण लिखित पोछी कस्तूरी की बासर घरे कागज कलम कौठू आसब कागज कलम तो पाइले नहीं ना खंडे पत्र लिखिले केमिति लिखिले ना वैदेही सीता गभारे केतकी फुलटी खोसी कंटा युक्त केतकी पत्र युक्त केतकी पत्रटे छिड़े आणिले कंटाटे छिड़े आणिले आखिरे कजल नहीं से आखिर कजल को कंटारे धरी केतकी पत्र लिखिले कौन लिखिले बर मंडपरु जीव बाहुड़ी वार्ता बहे तुम्हु ने बिलोड़ी वार्ता बहे तुम्हु ने बिलोड़ी वार्ता बहे तुम्हु ने बिलोड़ी से दिन वैदेही माँ जानकी कहले हे स्वामी मु सीता आपणकर पत्नी आपण को पाद छुई शपथ करुच मोर अग्नि छुई शपथ करवा दरकार नहीं आपण तो मोर सर्वस्व ना आपण को पाद छुई नियम करुची बर मंडपरु जीव बाहुड़ी वार्ता बहे तुम्भ को नेबी लोड़ी ताला आज्ञा द्वापर युग आसला जीए सीता सीए हेले रुक्मिणी जीए राम से कृष्ण द्वापर युगरे
रुक्मिणी दुर्गा मंदिर को जाई ब्राह्मण गोसाई हाथ में पत्र खंडे लिखि भगवान कृष्ण निकट को पठेदे हे कृष्ण मत नहीं जाओ तेणु कृष्ण जा रुक्मिणी को अपहरण कर दर्शक बंधु एक कथा तो आप समस्त जानते राम आष्ण भितर आउ कौन प्रभेद प्रभेद नंबर तीन भगवान राम थे त्यागी कौन सी भोगविलास ना केवल त्यागर मूर्तिमंत प्रतीक थे भगवान राम राति पाहिले जो राम राजा हवा कथा देखते केड़े बड़ त्यागी इमितिका त्यागी संसार किए अच्छे आज्ञा पितृसत्य पालन करने अवसर में माँ कैकेयी कथा रखापी सबकि पादर आड़ेदे चौदह वर्ष पर मन को चलीगले आज्ञा केड़े बड़ त्यागी पुरुष थे खाली से नुह भरत आसिक मागिला भाई तुम कठौटा मत दे दियो मु तुम कठौ को सिंहासन रखी पूजा करी राम ताकू भी देदेले खाली पादरे चौदह वर्ष कंटकित पथर बुलिले पछे भाई भरत को कठौटा भी मध्य देदेले सर्वस्व देदेले राम केबे भोग विलास पाई इच्छा करना किंतु कृष्ण भोगी आपण देखु द्वारकार अभ्रकंश प्रासाद निर्माण कले निजे कृष्ण अष्टपाट वंशी सहित राजकीय भोग विलास आमोद प्रमोद जीवन कटेदे कृष्ण को जीवन हूँ भोगमय जीवन विलासमय जीवन गोपपुर एगार वर्ष आठ मास रही आज्ञा कौन से न खाई कौन से लीला न कर रास से न कर वृंदावन रे केली करिसंती षोह हजार गोपी मान संगे आज्ञा कृष्ण को जीवन हूँ संपूर्ण भोगमय जीवन संपूर्ण विलासपूर्ण जीवन नहीं प्रभेद नंबर चार समग्र रामायण पृष्ठभूमि आपण देखु राम हूँ ब्रह्म स्वयं भगवान किंतु कौन सी गोटे जगार भी राम कही ना मुझे ब्रह्म मु स्वयं भगवान मते पूजा कर मु तुमको मुक्ति प्रदान करदेवि कही राम कौटी एक कही ना आज्ञा किंतु कृष्ण प्रभेदा अच्छे ना कृष्ण कौन कले श्रीमद भगवत गीतार श्लोक आपण मानक जना अच्छी कौन कहले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पाप भ्यो मुख्य ईशानि माशुच कृष्ण समग्र विश्ववासी को कही हे विश्ववासी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज सबकि छाड़ी दियो मोरी पादर शरण निय अहं त्वां सर्व पाप भ्यो मुख्य ईशानि मु तुमको समस्त पापर मुक्ति प्रदान करदेवी नहीं एक कही ना कृष्ण कही तेणु राम एवं कृष्ण चारित्रिक दृष्टिकोण रु आचरण दृष्टिकोण रु कार्यशैली दृष्टिकोण रु संपूर्ण भाव भिन्न आउ कौन प्रभेद से दिन अक्रूर जाइंट रथ नहीं रामकृष्ण को मथुरा को आने रथटा जाए लगला गोपदांड अक्रूर चाहिदेले समस्त गोपदांड कृष्णमय प्रकृत कृष्ण किए एक जापार ना अक्रूर तेणु भगवान कृष्ण गाई दूँ दे अक्रूरजी मनर संशय को मोचन करने कौन कले जेते बेले कृष्ण गोपपुर अक्रूर आणीण गोला तो गाई दोहो दोहो केश फीटी गला गाई दोहो दोहो केश फीटी गला चतुर्भुज हेले अनंत नाही नाही तो जग बंधु परी जने सामंत नाही नाही तो तेणु कृष्ण अक्रूर को निजर परिचय देवाई जाई
ଆଉ ଦୁଇଟି ବାହୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ଫିଟି ଯାଇଥିବା କେଶକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଅକ୍ରୁର କହିଲେ, ଓହୋ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ବସୁଦେବଂ ସୁତଂ ଦେବ କଂସ ଚାଣୁର ମର୍ଦ୍ଦନମ ଦେବକି ପରମାନନ୍ଦମ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲେ ଅକ୍ରୁର। ସମସ୍ତ ଗୋପବାଳକମାନେ ଘେରିଗଲେ, କହିଲେ କହିଲେ, ହଉ ବାବାଜୀ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ, କୁଆଡ଼େ ରଥଟା ନେଇକି ଆସିଲଣି, କ'ଣ କଥା, କ'ଣ ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବ କି? ଅକ୍ରୁର କହିଲେ, କରିଛି ସାୟକ ପୂଜା କଂସ ବିରମଣି ହେ, କରିଛି ସାୟକ ପୂଜା କଂସ ବିରମଣି, ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦେଶରୁ ରୂପ ଦେଖିବାର ପାଇ, ତେଣୁ କରି କଂସ ଦୂତ ଅଛି ପଠି ଆଇ, ତାହା ଦେଖିବାର ପାଇ, ତାହା ଦେଖିବାର ପାଇ। ଅକ୍ରୁର କହିଲେ, ହେ ଗୋପବାଳକ ମାନେ, କଂସ ରାଜା ଗୋଟେ ଧନୁ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଣଜା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ହାତରେ ରଥ ଦେଇ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଥୁରା କଟକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଥୁରାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଗୋପବାଳକମାନେ କହିଲେ, ହଇଓ ଅକ୍ରୁରଜୀ, ଆମକୁ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ଟିକେ ସେ ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଦେଖନ୍ତୁନି। ଏଇ କଥା କହିବା ଅବସରରେ ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ଯାଇ ମା' ଯଶୋଦାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା' ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅକ୍ରୁର ମଥୁରାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଗିଳିଙ୍କ ଭଳି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ଶ୍ୟାମ ରେ, ଶ୍ୟାମଘନ ରେ, ବାପଧନ ରେ, କହ୍ନେଇ ନୀଳମଣି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ରେ? ମୁଁ ତୋ ମା' ଯଶୋଦା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପାଗିଳି ହେଇଯାଏ ରେ, ତୋ ବିନା କ'ଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ଧନ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମା' ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଥୁରାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି କହ୍ନେଇ ନୀଳମଣି କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି, ମା' ଯଶୋଦା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନିଜକୁ? କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋ ଭୋଇକି ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ସମସ୍ତ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ କହିଲେ, ହେ ଅକ୍ରୁରଜୀ, ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛ? ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି। ହଇ ହେ କୃଷ୍ଣ, ରଥରୁ ଓହ୍ଲାମ ଶୀଘ୍ର, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ହଁ କ'ଣ ରଥରେ ବସି ପଇଲଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ? ହଇ ହୋ, 11 ବର୍ଷ 8 ମାସ ହେଇଗଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ ଲଗେଇଛ, ପ୍ରୀତି ଲଗେଇଛ, ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ତମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛୁ, ଆମ ସ୍ନେହ, ଆମ ଭଲ ପାଇବା, ଆମ ମମତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ଏଇଆ? ତମେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ପଡ଼ିଲଣି? ଶୁଣ ଶୁଣ, ଶୁଣିଥିଲୁ ଆମେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜଣେ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତମେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ନାଇଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତମେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେ ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତମେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବି ସେଇଆ ସେଇଆ କରୁଛ। ସେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଏଣୁ ମିତ୍ର ଗୁଣ ବହିଛ। ସେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଏଣୁ ମିତ୍ର ଗୁଣ ବହିଛ। ସେତା ତମା ତ ଛାଡ଼ି ମନେ ବୁଲିଲେ ତୁମ୍ଭେ ସେହିପରି ଯାଉଛ, କୃଷ୍ଣ ହେ ସେତ ବଧି ଥିଲେ ବାଲିକି ଆମ୍ଭ ସର୍ବ ବାଳି ନାଶ କରି ଯାଅ, ଆମେ ହେଲି ପାରୁ ନାହକି କୃଷ୍ଣ ହେ।
बधिले एले बाली की। गोपांगना माने कहिले से रामचंद्र तुम्हें कृष्णचंद्र सीए बण को जाइले तुम्हें मथुरा को जाऊ सी बापा माँ को छाड़ी जाइले तुम्हें भी बापा माँ को छाड़ी जाऊ आ भाई लक्ष्मण को सांगे नहीं जाइले तुम्हें भी तुम भाई बलराम को सांगे नहीं जाऊ सी बणरे बुलिले तुम्हें मथुरा को जाऊ सी गोटे राक्षस बाड़ी को मारी किंतु हे कृष्ण तुम्हें 16,000 बाड़ी को मारुच बाड़ी अर्थात नारी आज्ञा आम्भे 16,000 नारी मान को मारिदे कि तुम्हें मथुरा को जाऊ हे कृष्ण सबु समान गुण लक्षण किंतु जाचना गोटे गुण से तुम्हें ऊणा राम कृष्ण कहले कौन बा कौ गुण से मुणा तु कृष्ण हे से संगे नहीं थीले नारी यही गुण कृष्ण हे से संगे नारी से सांगे गला बेले स्त्री सीता नहीं तुम्हें जाऊ आम 16,000 गोपांगना राधा सहित अच्छु आम को क्या नौना तुम्हें यही गुण से टे उणा पड़ुच हैं आउ कौन प्रभेद ना राम सत्य करी 14 वर्ष बण को गले 14 वर्ष पर पुणी अयोध्या को फेरिले किंतु कृष्ण 4 दिन को कंट दे से गले आउ गोपपुर को से न फेरिले राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद 4 दिन पाई कंट दे कि कृष्ण गले जे गले आउ गोपपुर को फेरी दर्शक बंधु राम एवं कृष्ण मध्य हूँ चारित्रिक प्रभेद कार्यशैली दृष्टिकोण प्रभेद किंतु उभय एक उभय ब्रह्म उभयंकर लक्ष्य एक दर्शक बंधु आज तो समय हो गला कार्यक्रम को आम ये विराम दौ पी आगामी अध्याय पुराण पृष्ठ आहु गोटे सुंदर मन छुआ प्रसंग नहीं आपण मान सहित साक्षात हो आजपाई विदाय दिंतु समस्त को सप्रेम जय जगन्नाथ नमस्कार।